अंजला ये बताएं, आपको एक्टिंग का भी शौक है? इतना नहीं। इतना नहीं है? नहीं। देखती हैं ड्रामे वगैरह? कुछ कुछ, थोड़े थोड़े पार्ट्स देख लेती हूँ। मतलब बहुत कम ड्रामे देखे हैं। कौन सा आखिरी देखा था? रंग महल। रंग महल। और कोई फेवरेट एक्टर्स आपके? सारा खान। सारा खान पसंद है। और कोई मर्दाना अदाकारों में? सारा खान। मर्दाना में भी सारा खान ही टोटल सारा खान ही है बस सारों में, जो जितने को एक्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। आयशा खान भी पसंद है। आयशा खान एक और खान निकले। और कोई मायरा खान? मायरा खान भी है लेकिन ज्यादा सारा खान और आयशा। सुपरस्टार फैसल कुरैशी साहब आए हैं। फैसल कुरैशी नहीं, चौधरी फैसल साहब ना, जीमा साहब एक्टर भी है ना फैसल कुरैशी भाई, वो उनको वो नहीं, उनको जो पसंद है उन्होंने बता दिया। मैक्सिम जो बात बनी है वो सिर्फ सारा खान और आयशा खान पे है। आपको फिरोज खान, फवाद खान? फवाद खान बस, फवाद खान। थोड़ा बहुत काम हाँ। चल सकता है। आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको कोई ब्लॉगर पसंद है जिसको आपने फॉलो किया? लारे इब्राहिम। लारे इब्राहिम आपको पसंद है? अच्छा सर, आप वैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं, मैं जो सब खुद यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये है फेसबुक पेज। अच्छा, वो पी आपका यूज करता है? जी हाँ जी। और वैसे आपको पता है ये इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक और ये क्या चीजें हैं? नहीं, मुझे फेसबुक का पता है और व्हाट्सएप का पता है। अच्छा, उसके अलावा इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह का नहीं? नहीं, वो नहीं। अरे तो आपकी जो इतनी हुकूमत उसके ऊपर बैठी होती है, अब आप कैसे, आपको पता नहीं चलता कि क्या क्या ऐप्स आई हुई हैं? मेरा चॉइस अब उन पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रॉपर फील्ड वर्क है, हाँ। आपका वो है, वो असल चीज है। ये जो है ना, ये पिक्चर और नजर आती है सोशल मीडिया पे, एक्चुअल कुछ और चीजें होती हैं। सर ताड़ी फेसबुक ते ना दुखिया शायरी बहुत होती है, वो फिर ताड़ी होती है कि पीए दी होती है? मेरी होनी है जी फिर। मैं शायरी वगैरह का शौक है? नहीं जी, नहीं है मुझे, बल्कि शेर याद भी नहीं रहते। मैं बड़ी कोशिश भी करता हूँ, कई दफा ये तकरीर वकरीर में कुछ याद करके जाऊं, लेकिन मुझे याद अच्छा नहीं याद रहता। और आपको सब किस चीज का शौक है जब कोई फ्री टाइम मिलता हो? मुझे शौक है ये कॉमेडी शो वगैरह देखने का। अच्छा, मुझे कॉमेडी क्या थिएटर प्लेस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये टीवी वगैरह पे। अच्छा, टीवी पे जो आते हैं? यूट्यूब पे लगा लिया ये। मुझे ये होता है कि जो थोड़ी देर भी टीवी देखना, तो वो बजाय इसके कोई दुखी चीजें या इस तरह की देखने की बजाय बंदा कुछ इस तरह का देखे जिससे। सर तुम मजबूरी ना देखते, क्योंकि टीवी से तो खिलाफ ही गल हो रही, कॉमेडी जो इसलिए कॉमेडी वे। अच्छा नहीं, मगर कॉमेडी शोज देखते हैं जी जी, तो उससे वैसे याद आया कि पंजाब हुकूमत ने आपके हल्के में क्या क्या काम करवाया? काफी काम हुआ है काफी। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो अगर चॉइस ऑफ बात डेवलपमेंट की करें ना, तो डेवलपमेंट इस टाइम हमारे पूरे पंजाब में बड़ी अच्छी हो रही है। उसके लिए वजीर आला साहब पिछले दिनों में हर जिले में खुद गए हैं, और बड़े आपके जिले में आए वो, सरगोधा भी आए हैं, और सरगोधा 3-4 उन्होंने, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी के तो फंड्स अलहदा या स्कीमें अलहदा दी हैं, सरगोधा के 3-4 बहुत बड़े मसले थे। नंबर वन मसला हमारा सबसे था, जो इधर से जाते हुए लाहौर रोड की जो सेकंड लेन है वो बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल खराब है, वो जो नीचे वाली जी, वो उन्होंने 2 अरब रुपया उसका दिया, और वो टेंडर भी हो गया, और मेरा हाल है थोड़े दिनों में काम शुरू हो जाएगा। एक हमारा फिर जब सरगोधा एंटर होते हैं तो ओवरहेड ब्रिज का बड़ा पुराना मसला था, वो उन्होंने दिया। एक सरगोधा का रिंग रोड है, उसकी मंजूरी दी है, तो यानी और सरगोधा सिटी के लिए जो सीवरेज के और ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा पैसों के दिए, तो डेवलपमेंट वाइज तो सरगोधा को अच्छा पैसा मिला है। वैसे आपकी फैमिली में और भी लोग पॉलिटिक्स में हैं? जी हाँ, मेरे कजन है आमिर सुल्तान चीमा साहब। आमिर सुल्तान चीमा पे कजन है? जी जी। अरे वो तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। बड़े इंटरेस्टिंग, वो तो अक्सर जब भी आते हैं बड़ा शुगर लगता है उनके साथ। वो फिर तैयार है आपके पास। अच्छा ना फिरिया करो, तानू भी लतीफ है याद हूँ। हाँ, वो सारा दिन। अच्छा, वो बाय नेचर भी ऐसा ही है, वो ये नहीं है कि आपके शो में या नहीं, वो हमें अंदाजा हो गया था, हर वक्त ऐसे ही है। और आपने भी देखा होगा वो जो उनके घोड़े के ख्वाब वाला एक, वो जो बगी वाला एक उनका पूरा सिलसिला है, तो आपको कोई ऐसा कभी शौक नहीं हुआ? नहीं मुझे नहीं। अच्छा। तो इस तरह के सारे शौक उनके लिए रखे। अच्छा। उनका बेटा भी एमपी है। हाँ, उनका बेटा भी एमपी बना हुआ है। आमिर सुल्तान साहब तो एडे कॉमेडी है ना, किसी मरीज का पता लैन जाते उन्होंने लतीफा सुना के कह रहे थे हाथ सुट क्योंकि मरीज कह रहा होंगे ड्रिप लगी मैं किवें सुटा। आप भी वैसे कोई आपकी प्रेफरेंसेस हैं, कोई आप देखती हैं सीरियस देखती हैं, कैसा कॉन्टेंट पसंद है आपको? कॉमेडी। कॉमेडी क्या, कॉमेडी में आखिरी क्या पसंद आया आपको? ज्यादातर ड्रामास और फिल्म लाइक कौन सा कॉमेडी ड्रामा आपको पसंद है? बुलबुले। बुलबुले आपको पसंद है? क्या बात, जबरदस्त। कौन सबसे ज्यादा पसंद है बुलबुले में आपको? मोमो। मोमो पसंद है, बिल्कुल। बड़ी एक यूनिवर्सली पसंद किए जाने वाला कैरेक्टर है बुलबुले के अंदर, हिना दिलपजीत साहिबा का। आपने भी देखा हुआ बुलबुले? जी हाँ, मैं देखा हुआ। इन्होंने तो दो किस्तान काम भी किया था, अपनी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को कुछ भी कराई जा रहा है। कुछ भी वो। तो आपको कोई कभी शौक रहा कोई इस तरह का एक्टिंग वगैरह का? कोई नहीं नहीं नहीं, ये सारा आमिर साहब के पास ही था सारा ये डिपार्टमेंट। आमिर सुल्तान साहब सरगोधे मनोवर शरीफ कहते हैं।
आपने कहा बुलबुले आप भी देखते हैं, लेकिन मुझे आइडिया है, मैंने देखी हुई है एपिसोड्स देखे हुए हैं। आपने घर वाले देखते होंगे तो कहीं आप जी, जी, आपको भी लगा हो तो मैं बैठ जाता हूं देखने। ये देखे बुलबुले एक बड़ा यूनिवर्सली पसंद किए जाने वाला पाकिस्तानियों का ड्रामा है और इतने सालों से रहा है। और आपको बुलबुले में करेक्टर कौन सा पसंद है? मुझे महमूद साहब वाला करेक्टर, महमूद साहब का करेक्टर बिल्कुल, महमूद साहब ने जो किया हुआ है वो बड़ा। आपको मोमो पसंद है, उनको महमूद साहब पसंद है, नबील साहब ने कर दिया फिर प्राइवेट कार पर शहर की सफाई देखने के लिए फोन किया। मैं सर कितने हो? मैं सर तुम ऑफिशियल बंदे लैके गए ना, फोटोग्राफ लैके गए ना, सिक्योरिटी गार्ड लैके गए। कहते ने बस आज मेरा मूड था मैं शहर की सफाई चेक करूं। अच्छा। मैं सर कहा है? कहते टाउनशिप। बजाया डाला टाउनशिप, कहते ने होने ही गए ने। अच्छा। उतो निकल गए ने, फिर कॉल की थी कहते अकबर चौक, अकबर चौक पहुंचे तो वहां से भी चले गए आगे गया मॉडल टाउन फैसल टाउन, बजता बजता आखिर में पहुंच गया। मैं सलूट मारे, मैं कहा सर सरकारी गड्डी तो क्यों नहीं आए? कहते ने सरकारी ड्राइवर मैनू गड्डी नहीं चलाउन देंदे। जी सर, इस वास्ते कहते मैं प्राइवेट कार पे आया हूँ और आज मैंने सफाई देखते हुए बड़ा बरहम हुआ हूँ मैं। बरहम दा लफज क्या ने? पहली बारी मैंने मुंह च सुने, इधर मतलब है मुश्किल मुश्किल लफज कम कर गए ने। हुण सफाइयां चेक कर, कहते ने डेली चेक करूंगा, मॉनिटरिंग करूंगा, जिसकी गलती हुई उसे बर्खास्त करूंगा। बड़े सख्त लहजे च बोले ने आज ते मैंने, कहते ने बात सुनो निर्गोली, ये सफाई करने कराने के कोई नतीजे भी बरामद होंगे? मैं कहा सर सफाई तुसी की करवानी है? सफाई करने वाले सफाई करके तेरे तो निकल भी गए ने। मैंने कहा ने बड़ी सख्त गल की, मैं कहा सर बहरहाल तुसी अपनी ड्यूटी अंजाम दो, लेकिन आज तो बाद वो कहते ने मैं खुद जाके देखूंगा, मुझे नहीं जरूरत प्रोटोकॉल की, आई ही करदे करदे मेरी अख चुंगल मार देती। मैं कहा चलो कोई नहीं, जज्बात दी रौच बह गए ने। वैसे एक गल मैं तुसी दसो, ये वाकई बेहतरी आएगी सर जिस तरह आजकल हुकूमत काम कर रही है? पूछो उनकी पार्टी वालों से। ओ माशाल्लाह, आज ते मैं कह जवेद चौधरी साहब और सलीम साफी आमने सामने। सर फैसल साहब मेरी लव है, अगर मैं किसी बंदे दा सियासत च फैन होया तो फैसल साहब। अच्छा। सरगोद दे विच सर इन्नी खिदमत करदे ने अपने घर वालिआं दी, जाहिर है घर वाले नहीं ना वोटर जड़े ने। काफ लीग दे विच सन ते चौधरी साहब जदों भी कोई गल करनी फैसल भाई नाल करनी। अच्छा। क्योंकि राजदार सन ना जी, किते भी चौधरी साहब ने जाना हुंदा कहना फैसल कट साइकिल चलीए। नहीं सर, दुनिया के सियासतदान बड़े आए ने, लेकिन चौधरी शुजात साहब वाले के बंदे घट ही आएंगे सर, यादगार मैन हो इनके। तो किस तरह तुम लगे सी इन्होंने काम करके सर? बहुत जबरदस्त। फिर क्यों छड़े ने? आजाद भी लड़े ना एक बार? हाँ, बस कुछ नाराजगी हो गई होनी, आजाद भी जीते ने, पीटीआई चाहे ता भी जीते ने, हम तुम देख लेना अगली बार पीपल्स पार्टी वालों लड़नगे जितने। अच्छा। सर तुम देख लेना। सर फैसल भाई की गल है कि मेहनत बहुत करते हैं, मसलन के मसलन इस करके लोग इन्होंने वोट देते हैं। नून लीग वाले ने पौधे लवाए से उन्होंने पटवा के अपने लवा के फिर जीते। इन्नी मेहनत करते सर, मेहनत तो मैं इन्होंने देखिया कर दें। जी सर, सवेरे पूरे इलाके दे नाश्ता बन दें। जी सर, ते आज ते माशाल्लाह मैडम अंजला साहब ने बुलाया। जी जी जशी है नहीं? अच्छा। आप मेरी फेवरेट ने। अच्छा। सर कैसे कमाल आर्टिस्ट है, ऐसे कमाल अपना मॉडलिंग करते ने। हाँ। कि मैं इन्होंने जो भी टीवी ते वेखिया ना, मैं फौरन नाला लोग पूछा ये कौन ने? उन्होंने फिर दस भी अंजला साहब ने। हाँ, मुश्किल है मैंने भूल जाता। अच्छा। हाँ, आजकल मॉडलों के नाम बड़े औखे आ रहे हैं। हाँ। ते फैसल भाई जान फिर की हालात? ओके ने। ओके ने। मतलब लोग राजी ने? इतनी महंगाई थे भी राजी ने? राजी ने। वो थोड़े तो राजी होने ने, पीटीआई तो कोई नहीं जे राजी। हाँ, मैं तुम्हें सच्ची दस रहा हले हूने टाइम नाल पार्टी बदल लो। हाँ सर, कहना ही है वन फोटो प्लीज, पिछली फोटो जड़ी है ना सर, वो मैं किधर डिलीट कर बैठा, बच्चे ने डिलीट कर दी, वो फिर नैब दे फोन बड़े आते। मैडम कहना ही है वन सेल्फी प्लीज। थैंक यू।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। फैल साहब, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है चौधरी इफ्तिखार हुसैन, मलिक आमिर डोगर और राणा कासिम नून। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? राणा कासिम नून। स्माइल किसको दे रहे हैं? इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब को। और किसका फ्लोर आ गया है? वो जो आमिर डोगर साहब का। ठीक है सर, ये बताएं मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर? रोज देखना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। दो ही ऑप्शंस हैं। जरदारी साहब। कोई तीन नाम आपने मुझे बताने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, जिनको आप चाहेंगे कि वो पीटीआई में हो, फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। एक तो मेरे दोस्त हैं कर्नल गादी साहब। कर्नल गादी साहब, ठीक है, वो मेरी ख्वाहिश है कि वो पीटीआई में आए। एक मेरे दोस्त हैं मलिक सईद साहब। मलिक सईद साहब कसूर से, कसूर वाले जो हैं, ठीक है, ख्वाहिश है कि वो आए। एक और नाम रह गया, गिल साहब नाम मेरे, शहबाज गिल तो पहले ही है। नहीं, शेखुपुरा वाले हैं, शेखुपुरा वाले गिल साहब, गिल साहब वो ठीक है, वो भी आप चाहेंगे कि आपके पास हो। ठीक है सर, ये बताएं फिर, जा रहे हैं आप टाइटैनिक के ऊपर, दो पास हैं, एक अपना है, दूसरे पर किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं मोहतरमा शीरी मजारी और अंजिला। शीरी मजारी साहबा को। शीरी मजारी साहबा को। ओए ओए ओए। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है आमिर चीमा साहब और उस्मान बुजदार। आमिर चीमा साहब। अंजिला, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास एमन खान, आयजा खान और सारा खान। सारा खान के साथ सेल्फी, आयजा खान के साथ जो है वो स्माइल पास करेंगे और एमन खान को बोलेंगे आपका फ्लोर। एमन खान को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। ये बताएं फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? बिलावल भुट्टो या हमजा शहबाज? बिलावल भुट्टो। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर अपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल चीमा साहब और कैसर पिया। बदला लवो उनको, बदला शीरी मजारी लेके गए सी। कैसर। कैसर पिया साहब को। क्या बात है, देखो याद करा के बदला लाया। क्या बात है, थोड़ा वोट खराब करके ही कर। कैसर फारूक चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अंजिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।